एफसीआई या भारतीय खाद्य निगम की तरफ से आज तेजू लोहित जिले में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसका प्रयास था कि एफसीआई ईटानगर, जो पिछले कुछ समय से खाद्य आपूर्ति के लिए अभियान चला रहा है, जिसके तहत की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि के उपभोक्ताओं को और साथ ही साथ प्रेस को इन्हीं योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बारे में बताना। छोटे से इस कार्यक्रम में बहुत सारे लाभार्थी भी उपस्थित हुए और हमने उनसे जानना चाहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और एफसीआई के द्वारा किए गए प्रयासों से उन्हें आज क्या लाभ मिल रहा है। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में राजेश चौधरी जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं एफसीआई ईटानगर से, और तोमो गामलिन जी, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर हैं जो लोहित ज़िले से, और उनके साथ साथ वी सुविन कुमार जी, जो कि डिविजनल मैनेजर है एफसीआई की तरफ से डिविजनल ऑफिस बंदरदेवा, और साथ ही साथ प्रेसकर्मी और लाभार्थी मौजूद थे। तो आइए देखते हैं ये छोटा सा रिपोर्ट। उद्देश्य है, लगभग पिछले एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम कई प्रोग्राम जो है करते रहे हैं। यहाँ खुद इस तेजू डिपो में भी 2-3 बार यहाँ प्रोग्राम हो चुका है, और हमारे संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में इस समय 15 डिपो हैं। उन 15 के 15 डिपोज़ में हम विभिन्न तरह के प्रोग्राम करते रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल ये बताना है कि भारत सरकार की योजनाएँ क्या क्या हैं, उसका जो है ना लाभ जो है लोगों तक पहुँचे, उसके बारे में जागरूकता बढ़े और लोगों को ये पता चले कि जिस तरीके से जो अच्छी क्वालिटी का और पूरी मात्रा में जो खाद्यान्न है वो हर व्यक्ति को समय तक पहुँच सके। हम जितने भी बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनका हम उनके साथ उनका फीडबैक भी हम शेयर करते रहते हैं। पहले सर्वप्रथम मैं जो आपको तेजू के बारे में बताऊंगा, एफएसडी जो हमारा तेजू है, ये हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, और ये डिपो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम का डिपो है। देखिए, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका क्रिएशन ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1964 में किया गया, जिससे कि आप जो है जो हमारे किसान भाई हैं उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल गवर्नमेंट हर फसल के लिए डिक्लेयर करती है, उससे उस पर हमारे यहाँ खरीद की जाती है। तो खरीद भारतीय खाद्य निगम कर रहा है केवल गेहूँ और धान की, तो हर साल सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिक्लेयर करती है, उसी पर भारतीय खाद्य निगम भी जो है प्रोक्योरमेंट यानी खरीद करती है, और स्टेट की बहुत सारी एजेंसी भी हैं जो कि इस पर खरीद करती हैं। ये खरीद होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एफसीआई के पास आता है, और उसके बाद जो है ये जिन स्टेट्स को, जिन राज्यों को इसकी आवश्यकता होती है, उसके पास ये मूव किया जाता है। अब मोटा मोटा जो है जो एफसीआई का काम है, मतलब प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स, स्टोरेज करना, प्रिजर्व करना, और फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना। जब हम किसी सरकार की किसी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, उसके कार्यान्वयन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एफसीआई का भी, और एफसीआई के साथ साथ रोल होता है राज्य सरकार का, जो कि हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिसर, इनकी मदद के बगैर और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनकी मदद के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता है। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि अब भारत सरकार ने इंसिस्ट किया है कि जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी ये इंसिस्ट किया है कि जैसे हमारा जो पिछड़े हुए देश हैं या हमारा जो विकासशील देश है, वहाँ ये पाया गया है कि कंज्यूमर्स में जो लाभार्थी हैं, स्पेशली महिलाओं में और बच्चों में, ये पाया गया है कि आयरन की कमी है, कि बच्चों में और महिलाओं में आयरन की कमी है। और आप जैसे जानते होंगे, आयरन की कमी होने का मतलब है कि खून में हेमोग्लोबिन की कमी होना। तो अब भारत सरकार ने एक नई नीति जारी की है कि जो चावल भी दिया जाएगा, अब वो जो चावल आता है उसके साथ ब्लेंडिंग की जाएगी, और ब्लेंडिंग की जाएगी ऐसे राइस ग्रेन्स की जिनमें कि हाई कंटेंट ऑफ आयरन होगा, इसको हम फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। मिड डे मील स्कीम, मध्यान्ह खाद्यान्न योजना में हमने ऑलरेडी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में फोर्टिफाइड राइस हम दे रहे हैं, और अभी जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी है, उसमें भी हम मार्च 2023 तक सबके सब कंज्यूमर्स को ये फोर्टिफाइड राइस देंगे। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है उसमें आपका जो है आयरन होगा, विटामिन B12 होगा और फॉलिक एसिड होगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप में आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू वो जो है फूड ग्रेन्स की बढ़ाते हैं। इस बात में मैं थोड़ा सा आप लोगों की सबकी मदद, जो कि लाभार्थी हैं और जो हमारे मीडिया के फ्रेंड हैं, कि इसमें थोड़ी थोड़ी भ्रांतियाँ या मिथ भी है। कई लोग जो है ना, जो ये राइस जो कैनल ऐड किए जाते हैं,
इसका तरीका ये होता है कि इसको पहले जो राइस ग्रेन के जो कैर्नल्स होते हैं यानी जो बीज होता है उसको क्रश करके उसमें सारे विटामिन ऐड किए जाते हैं, फिर उनको फोर्टिफाई करके इन चावल के साथ मिलाया जाता है। तो जैसे मैंने सुना है कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक का चावल खिलाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ प्लास्टिक का चावल का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। प्लास्टिक का चावल वहाँ से हो सकता है कि पहले तो अरुणाचल में ही समस्त देखिए प्लास्टिक का चावल कहाँ से आएगा, और अगर आएगा भी तो अगर ओपन मार्केट से आ सकता है, पर जो गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू जाता है वो तो हम दे रहे हैं। हमारे पास कई जगह पे पैरामीटर चेक होते हैं, क्वालिटी चेक्स होती हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ जब हम रिसीव करते हैं, जब हम देते हैं। तो इसमें जो ये भ्रांतियाँ हैं कि प्लास्टिक का चावल दिया जा रहा है, हमने कई लोगों को बोलते हुए भी सुना और आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में र्यूमर्स फैलती हैं, तो उन भ्रांतियों को भी दूर करने में आप हम लोगों की मदद करेंगे। और हम इसमें एक कैंपेन चला रहे हैं, हमने सारे जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरी फूड हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिसर हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है। हमने बहुत सारे पोस्टर जो है ना वितरित किए हैं, हमारे डिपो में भी वाइडली डिस्प्लेड हैं, और अभी हम जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, DFSO साहब हैं उनको भी अनुरोध करेंगे कि जितने भी फेयर प्राइस शॉप है उन पर भी ये पोस्टर जो है ना लगाए जाएं और लोगों को ज्ञान दिया जाए कि भाई ये जो फोर्टिफाइड चावल है उनके हेल्थ के बेनिफिट के लिए, इसमें कोई भी प्लास्टिक जैसा चावल वाली बात नहीं है, स्पेशली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। 33,609 बेनिफिशरी एज ऑफ डेट ऑनलाइन हमारा रिकॉर्डेड है। तो इतने सारे बेनिफिशरी को, मैं सिर्फ लोहित डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग FSSAI चावल ड्रॉ करके दे रहे हैं, और उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम लोग 5 फॉर PHS बेनिफिशरी 5 kg पर पर्सन पर मंथ एट द रेट ऑफ ₹3, 3 रुपये के दर पे हम 5 किलो एक बंदे को हम देते हैं, जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड अमाउंट है। और अंत्योदय अन्न योजना के स्कीम के तहत हर परिवार को हम लोग 35 किलो देते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, भले ही उसके घर में 2 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर कार्ड हम लोग 35 किलो देते हैं, जो कि आज मीडिया फ्रेंड के प्रेजेंस में हम चाहते हैं कि ये लोगों को पता चले, सभी को पता है लेकिन फिर भी एक मौका है तो मैं उस मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ। हमारा भारत राज्य के बाकी राज्यों से ऐसे 27 लोगों का हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन है, जिनको हमने किसी न किसी महीने, ज़रूरी नहीं कि हर महीने एक साथ दिया हो, 8-10 करके हमने उनको IMPDS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS के तहत हमने, और ये वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के तहत हमने उनको चावल दिया है। फ़ायदा इसका ये हो गया कि अगर मान लो किसी वजह से वो घर नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना असम का कोटा हो, यूपी बिहार का कोटा हो, वो यहाँ से पार्शियली और फुल्ली, चाहे तो वो आधा ले सकता है चाहे तो पूरा ले सकता है। मान लो किसी मजदूर का परिवार आधा अपना बिहार में है और वो खुद 2 जन यहाँ बैठे हुए हैं, तो 2 जन यहाँ से 10 किलो उठा लेगा और बाकी उसका जो बचा बकाया है, ड्यूज है, बैलेंस अमाउंट, वो अपने प्रदेश से, अपना FPS से उठा सकता है। तो वहाँ में एक खिचड़ी बनाने के लिए मिलता है 5 kg चावल, तो वो मतलब वो लोग नहीं बनाए तो घर में दिया है, क्योंकि कोरोना का समय ऐसे में वो लोग नहीं बना पाया है, तो पेरेंट्स को दिया है तो मैंने भी लिया, वो लोग बुलाया है तो सब लोग हल्ला कर रहे कि वहाँ में एक चावल दाना के साथ में एक सफ़ेद, उसको धोने के बाद में वो सफ़ेद वाला जो ऊपर उठ जाता है, तो उसमें बोल रहे कि ये तो प्लास्टिक चावल है, हाँ ऐसे बोल रहे हैं। तो आप देखिए 37 रुपया 23 पैसे का चावल 2 रुपया में मिल रहा है, और जो फोर्टिफाई किया तो उसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई, तो लगभग वो 38 रुपया का आपको पड़ गया। मिड डे मील स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, PMGKY स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और 3 रुपया जो है, तो हम ये कहते हैं कि उसका बिल्कुल भारत सरकार की योजना है, हम सबके लिए है, उसका लाभ उठाएं। कम से कम हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम किसी चीज़ की अफवाह फैलाने से पहले, या कोई फैला रहा है तो उसके बारे में, जो भारत सरकार की इतनी नेक योजना है, हम उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बदनामी भी कर रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए और पूछना चाहिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं, वो सारा लोग बोला वाला तो सब अच्छा बोल रहा है, हम लोग को दुनिया आदमी को तो पालने के लिए ना, पेट बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा बात किया है, हम लोग तो सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। ऐसा उसी दिन से हम लोग को 1 नंबर CPO में बुलाया था, तो उधर में गया, कल रिन्यूअल में बुलाया, कल भी गया, आज भी हम लोग इतना दूर से देर लाइन से आया, हम लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए, हाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो सुनने के लिए। ये जो चावल जो मिल रहा है ना, इसका क्वालिटी कैसा है, आपको क्वालिटी से आप सेटिस्फाई है ना? क्वालिटी तो मेरा के लिए बहुत अच्छा है, और इसलिए हम बोला आदमी लोग तो प्लास्टिक चावल क्या चावल बोलता है ना, जी जी हल्ला होता है, तो वो लोग तो हल्ला खाता है, हम तो अभी तक तो नहीं मिला है, तो हम सोचा है तो अपना अपना से बोल के ऐसा हो रहा है कि हम सोच रहा है, इतना साल हम लोग खा रहा है पी रहा है तो कभी भी नहीं मिला है,
अच्छा अच्छा चावल मिला है, दुकान का से भी चावल अच्छा मिला है। अभी तक हर महीना आपको चावल मिल जाता है? हाँ, हर महीना मिलता है हम लोग मिला तो। हम लोग का भारत सरकार का ये जो कोशिश है चावल देने का, उससे आप खुश है? हाँ खुश है, बहुत खुश है, इतना तो मिला बहुत खुश है हम लोग। हाँ, आज दो रीज़न के लिए किया है। एक तो हम लोग ने FCI का रोल किया है, ठीक है ना, और कोविड के टाइम में हम लोग ने FCI लोगों ने क्या काम किया है, कितना काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर में भी जो हम लोग फ्री राशन दिए हैं, हाँ, गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है, तो उसके लिए ये पब्लिक अवेयरनेस के तरफ से किया गया है। उसके बाद ये अभी 45 ड्राइव्स करके एक नया, मतलब MDM स्कीम में 45 राइस बोल के एक नया ब्लेंडेड राइस है, ये वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मिड डे मील में, जो आप स्कूल स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स के लिए, एनेमिक पेशेंट्स जो है, मतलब आयरन डेफिशिएंट लोगों के लिए, क्योंकि वो 45 राइस में आपका विटामिन्स, फॉलिक एसिड्स ये सब है, जिससे मतलब छोटे छोटे बच्चे को बेनिफिट मिला जाएगा, हेल्थ बेनिफिट इसके लिए। तो ये भी मतलब FCI मतलब प्रोक्योर करता है और FCI के थ्रू से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इसीलिए। मैम, आज ब्रीफिंग में भी बार बार ऐसे कोई कोई बेनिफिशियरीज का तरफ से सुनने में आया था कि प्लास्टिक राइस का जो एक बहुत ये आ रहा है सुनने में, तो उस बारे में थोड़ा सा हम लोग का पब्लिक को बता दीजिए कि वो प्लास्टिक राइस का जो मिसकंसेप्शन है उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा एक बता दीजिए। पहला चीज़, प्लास्टिक राइस ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक्चुअली चावल जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट होता है, वहाँ में स्टार्च कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली इलास्टिक जैसा काम करेगा ही। वो एक्चुअली प्लास्टिक राइस क्या हुआ, ये कभी कभी मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है, जो चावल का एक कुक्ड राइस को गोला बना करके वो लोग बाउंस करके बोलते हैं कि ये प्लास्टिक है इसलिए ये बाउंस कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार्च है, इलास्टिक। हम लोग क्यों, मैदा को भी अगर वो पानी से वो करोगे तो ये आटा जैसा, गम जैसा ही काम करता है, राइट। तो चावल में भी थोड़ा तो वो स्टार्च ही है, इसलिए वो इलास्टिक जैसा वो करता है, और वहाँ में एयर गैस जो अंदर में घुस जाता है जब वो करते हैं थोड़ा थोड़ा फिलअप में, वही मतलब बॉल जैसा होता है, तो उसी को मतलब लोग समझते हैं कि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक राइस है, ये प्लास्टिक राइस नहीं है। दूसरा, 45 राइस में भी जो आप अगर धोगे उसमें, वो 45 राइस में मतलब नॉर्मल राइस और 45 राइस कर्नल दोनों मिक्स है ना, तो वो 45 राइस जो है वो एक्चुअली जो चावल को ब्लेंड करके गुड़ी करके वहाँ में मतलब मिक्स किया गया है विटामिन के साथ, तो वो थोड़ा देखने में भी अलग होता है और वो थोड़ा पतला भी होता है, तो पानी के साथ जब धोते हैं तो मतलब वो थोड़ा ऊपर में मतलब हाँ ऐसा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली 45 राइस ही है, तो ऐसा प्लास्टिक बोल के कुछ कोई डरने का कोई जरूरत नहीं। और ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना 45 राइस दिया है किस लिए, बच्चों के लिए ना, क्योंकि ये विटामिन्स एंड फॉलिक एसिड, जो आयरन डेफिशिएंट पेशेंट्स है, आयरन डेफिशिएंट बच्चे हैं, वो लोग खाएगा तो वो लोग को आयरन मिलेगा, हेमोग्लोबिन मिलेगा, ब्लड कंटेंट अच्छा होगा, उसके लिए दिया है ना भाई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।